Sarika Seth. I'm your Hindi teacher. Today I'm going to teach you Hindi Palav, Class 3, Chapter 10. बच्चों सबसे पहले हम चैप्टर रीड करेंगे. पार्ट 10, जैसा सवाल वैसा जवाब. पार्ट से पहले अकबर बीरबल की मित्रता जग प्रसिद्ध है. यह कहानी बीरबल की चतुराई से संबंधित है. चलिए, बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था. बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की कुछ भी नहीं चल पाती थी. इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे. वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे. अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था. बीरबल को तो वे अपने सामने नीरा बालक और मूर्ख समझते थे. लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ नहीं होता. दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज. ख्वाजा साहब की चलती तो बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते. लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए कुछ प्रश्न, मुश्किल प्रश्न सोच लिए. उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा. फिर बादशाह मान ले कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है. ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, जहां भला, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है. आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं. मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें. उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी. ख्वाजा के अनुरोध पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उससे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहां बना जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। अकबर साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए. अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, सही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है. यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीके से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है. अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे सारे आसमान में हैं. ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें. अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहां बना संसार की आबादी पल पल घटती घटती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है. इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनका गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है. बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया. लेकिन ख्वाजा साहब नाक मुंह सिकोड़कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब. बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं. पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए. ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना. तो इसका जीवन मूल्य है, बुद्धि से सभी कार्य सिद्ध हो सकते हैं. अब बच्चों हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. सबसे पहले हम शब्द अर्थ देखेंगे. सारे बच्चे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे. मैं ये बोर्ड पर लिख देती हूँ. फर्स्ट हम करेंगे शब्द अर्थ. खास, खास, खास माने होता है विशेष, विशेष. अभिमान, सेकंड है अभिमान. अभिमान माने घमंड, घमंड. थर्ड है हमारा नीरा, नीरा. पूरी तरह, पूरी तरह. फोर्थ है हमारा तूती,
नकार खाना, नकार खाना मीन्स होता है नगाड़ा बजाने की जगह, नगाड़ा बजाने की जगह। सिक्स हमारा है साबित, साबित साबित का क्या है प्रमाणित, प्रमाणित। सेवन है हमारा गोल मोल, गोल मोल इसका मीनिंग है उल्टे सीधे, उल्टे सीधे, ये हमारे शब्द अर्थ हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे श्रुतलेख, श्रुतलेख भी आप एज इट इज लिखेंगे, न आधा का पूरा का नीचे बिंदु, नकार खाना, नकार खाना। सेकंड है मुसीबत, मुसीबत। थर्ड है हमारा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। फोर्थ है हमारा मुश्किल, फिफ्थ है कलई, सिक्स्थ है क्वाज़ा। ये बच्चों सब नोटबुक में नोट करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट एक्सरसाइज प्रश्न उत्तर है, ये मैं रख कर देती हूँ। नेक्स्ट है हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर एक, दरबारी बीरबल के बारे में क्या सोचते थे, बीरबल के बारे में क्या सोचते थे, सोचते थे। तो हम लिखेंगे आंसर, दरबारी बीरबल से दरबारी बीरबल से जलते थे, दरबारी बीरबल से जलते थे, वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे, वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे हम, ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए क्या किया, ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए क्या किया, क्या तो क्या किया था उन्होंने, उसने तीन मुश्किल प्रश्नों के उत्तर पूछे। तो ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए
करने के लिए तीन मुश्किल प्रश्न पूछे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन थ्री। बीरबल ने फासा के पहले प्रश्न का क्या उत्तर दिया? बीरबल ने ख्वाजा के पहले प्रश्न का क्या उत्तर दिया? क्या उत्तर दिया था बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो दिखा दें कि मेरी बात गलत है ओके। ये बेटा हमारे थ्री क्वेश्चन हुए। फोर्थ है हमारा संसार की आबादी कितनी है? इस प्रश्न का उत्तर बीरबल ने क्या दिया? मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन रख कर देती हूँ। ये सब बच्चे नोटबुक में नोट करिए। प्रश्न नंबर चार, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने क्या दिया? इस प्रश्न का उत्तर बीरबल ने क्या दिया? आंसर इधर से हम लिखेंगे। बीरबल ने कहा जहां पना संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती
पढ़ना जीना लगा ही रहता है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक संख्या बताई जा सकती है, पर ठीक संख्या बताई जा सकती है। नेक्स्ट बच्चों हम देखेंगे मिलान है हमारे, पहले मैं रब कर देती हूं। ये सब बच्चे नोटबुक में नोट करते रहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम मिलान। अकबर संसार का केंद्र सेकंड है, थर्ड है हमारा आकाश में तारे ख्वाजा संसार की आबादी। ख्वाजा खास दरबारी संसार की आबादी बादशाह। देखिए अकबर क्या है, बादशाह है। संसार का केंद्र जमीन पर गड़ी छड़ी, आकाश में तारे, भेड़ में जितने बाल, ख्वाजा खास दरबारी और संसार की आबादी प्रतिपल घटती बढ़ती। ये हमारे मिलान है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है पाठ के अनुसार सही या गलत का निशान लगाना है। सही और गलत का हम निशान लगाएंगे। राइट रॉन्ग है। नंबर एक है कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे।
तो ये क्या है बॉक्स मेरा राइट। चलते थी ख्वाजा साहब, तुमने चार तुमसे चार क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। ख्वाजा साहब तुमसे चार प्रश्न पूछना चाहते हैं। ये राइट है रॉन्ग है? रॉन्ग। वो तीन प्रश्न पूछना चाहते हैं। आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है। आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है। इज इट राइट? फोर, बादशाह बीरबल के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। बादशाह बीरबल के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। संतुष्ट नहीं हुआ। Is it wrong? नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे हम। व्याकरण बोल मान जोड़कर नया शब्द बनाना है। मान जोड़कर नया शब्द बनाइए। मान जोड़कर हमें नया शब्द बनाना है, तो इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट है अभी, सेकंड है सम, थर्ड है अनु, फोर्थ है अब। तो इधर हम मान जोड़ के शब्द बनाएंगे। फर्स्ट बनता है अभिमान, सेकंड है सम्मान, थर्ड है अनुमान, अनुमान और फोर्थ है अपमान। करेक्ट। नेक्स्ट है लिंग बदलिए। सारा एक्सरसाइज बच्चे नोटबुक में नोट जरूर करेंगे। नेक्स्ट है हमारी लिंग बदलिए। लिंग बदलिए राजा आदमी लड़का छात्र अध्यापक। इसमें हमें नेम बदलना है, तो राजा का रानी बुक में लिखा हुआ है, आदमी का औरत, लड़का लड़की, छात्र छात्रा, अध्यापक अध्यापिका। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे हम। शब्दों को ढूंढकर लिखना है। फर्स्ट में वन टू ऐसे दिया हुआ है, हमें ढूंढकर लिखना है। नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट पेज पर भी थ्री दिए हुए हैं, तो यहां हम शब्द ढूंढकर लिखेंगे। पहला दिया है विद्या और बुद्धि। नेक्स्ट है धक्का चक्का चक्का। फिर है बच्चा बच्चा और अच्छा अच्छा। इधर देखेंगे ना
दुग्ध और मुग्ध, किस्सा और हिस्सा। नेक्स्ट है पट्टा और खट्टा। इसके बाद हमारा है मौखिक प्रश्न। इसके बाद हम करेंगे मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न पहला है तेनाली राम किसके दरबार में थे। प्रश्न नंबर एक, तेनाली राम किसके दरबार में थे। किसके दरबार में थे, उत्तर है राजा कृष्ण देव राय। प्रश्न नंबर दो है आकाश में सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा कौन सा है। आकाश में सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा कौन है। तो ये तो सब बच्चों को पता होगा, ध्रुव तारा। नेक्स्ट देखेंगे विश्व में सबसे अधिक, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है। जनसंख्या किस देश की है, तो किसके सबसे ज्यादा, चीन। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न चार, सबसे अच्छा फल किस पेड़ का होता है। सबसे अच्छा ऊन किस भेड़ का होता है, उत्तर नंबर चार देखेंगे तिब्बती भेड़। ओके, नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है चित्रों को पहचानकर उनके नाम लिखने हैं जो चित्र दिए हुए हैं। पहला मुकुट है, फिर सिंहासन है, फिर रथ है, फिर महल। ये बच्चों आपको स्वयं करना है। नेक्स्ट देखें पीछे क्या है। नेक्स्ट है खेल खेल में दिए गए चित्र में रंग भरने हैं, इसमें आपको कलर करना है। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा यही फिनिश होता है। अब सारे बच्चे एक्सरसाइज जो है जो मैंने अभी कराई है सब अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट करेंगे और लर्न करेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।